हरे कृष्णा। कन्याकुब्ज गांव में एक घटना हुई थी। एक ब्राह्मण है अजामिल, बहुत सुशील अच्छा चरित्र वाला ब्राह्मण, अपने पिता माता बीवी बच्चों के साथ रहता था। एक बार अजामिल के पिता ने कहा अजामिल को कि जाओ जंगल से कुछ घास और फूल लेके आओ, पूजा करना है। तो अजामिल गए जंगल, वहाँ से घास और फूल लेके आए। जब रास्ते पर आ रहे थे तो गांव के किनारे उन्होंने देखा जंगल में एक शूद्र व्यक्ति एक वेश्या को आलिंगन कर रहा था, चुंबन ले रहा था। तो ऐसा सीन देखकर अजामिल के मन में काम उत्पन्न हुआ, मगर उसके पिताजी ने उसको सिखाया था, उसके गुरु ने उसको सिखाया था कि पर स्त्री को नहीं देखना चाहिए, काम वासना को नियंत्रित करना चाहिए। तो वो अपने कम मन को काबू में करके वापस घर पे आ गया। मगर वो जो सीन देखा उसने, उस वेश्या को देखा जो ठीक से कपड़ा नहीं पहनी थी, शरीर नहीं ढकी थी, और उस शूद्र को देखा जिसके आंखों में पूरा काम वासना था और दोनों एक दूसरे को आलिंगन कर रहे थे, चुम्बन ले रहे थे, उसके मन से ये बात जा नहीं रही थी। काम उसको बहुत सता रहा था, आखिर उसको कंट्रोल नहीं हुआ, नियंत्रित नहीं हुआ, और वो उस वेश्या के पास गया और उसको अपने घर पे लेके आया और घर वालों को कहा कि ये नई नौकरानी है। अभी वो घर पे रहती थी और ये अजामिल पूरा दिन उसके साथ समय बिताता था, जो भी पैसा था उसके लिए खर्च करता था, उसके लिए उपहार लेके आता था, जेवरात लेके आता था, कपड़ा लेके आता था, और उसने वेश्या के साथ गलत काम भी किया, उसको वेश्या के साथ इतना आकर्षक हो गया कि वो अपने बीवी बच्चों को और अपने माता पिता को घर से निकाल दिया और वेश्या से उसने संबंध बनाया, शारीरिक संबंध बनाया, और 9 बच्चे पैदा किए। वेश्या के हाथ का खाता था और वेश्या कितना कुछ मांगती थी, सामान मांगती थी, जेवरात मांगती थी, तो वो जाकर चोरी करता था, डाका डालता था, धोखा देता था, जुआ खेलता था और बाकी पाप करता था। फिर वो दारू पीने लगा, ब्राह्मण के सब गुण चले गए, साफ सफाई चले गई, गाली गलौज करने लगा, झगड़ा करने लगा, और इस तरह उसका पतन हो गया। और इतने बूढ़े उम्र में उसको आखिरी बेटा हुआ वेश्या के गर्भ से। उस बेटे का नाम उसने नारायण रखा और अपने छोटे बेटे के तरफ वो बहुत आकर्षित था, बहुत लगाव था, इसलिए पूरा दिन वो नारायण के साथ खेलता था। बोलता था नारायण इधर आओ, नारायण पानी पियो, नारायण खाना खाओ, नारायण खेलने जाओ, नारायण वापस आ जाओ, नारायण नारायण का नाम लेते रहता था, लेकिन बेटे को पुकार। जब अजामिल का मृत्यु का समय आया, वो बीमार था, बिस्तर पे लेटा हुआ था कि उसको दिखे 4 यमदूत, एकदम डरावने काले काले यमदूत रस्सी लेकर और शस्त्र लेकर आए और वो अजामिल की आत्मा को खींच रहे थे नरक लोक लेके जाने के लिए, यातना देने के लिए, क्योंकि इतना पाप किया था उसने। और यमदूतों को देखकर अजामिल इतना डर गया कि डर से जो छोटा बेटा उसका खेल रहा था रूम में, उसको बुलाया, बेटा बेटा नारायण नारायण इधर आओ। और जैसे ही मृत्यु के समय उसने नारायण का नाम लिया तो 4 विष्णु दूत आ गए, नारायण के दूत आ गए, बहुत सुंदर, 4 हाथ और पीला धोती पहने और सोने का मुकुट और फूलों का हार, बहुत सुंदर। और उन्होंने यमदूतों को कहा, रुको, आप इस अजामिल को नरक लोक नहीं लेके जा सकते। यमदूतों ने कहा, क्यों नहीं लेके जा सकते, हमारे मालिक यमराज ने आज्ञा दी है, हमारे स्वामी ने, ये पापी है, इसको जाकर हम यातना देंगे,
विष्णु दूतों ने कहा नहीं, यह धर्म है। भले ही अजामिल ने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन मरने के समय उसने नारायण नाम उच्चारण किया। भगवान नारायण का नाम बहुत शुद्ध है, पवित्र है, शक्तिशाली है। कोई भी उनका नाम उच्चारण करता है तो उनके पाप धुल जाते हैं। भले ही उसने अपने बेटे को पुकारा जिसका नाम नारायण था, भगवान को नहीं पुकारा, लेकिन फिर भी नारायण नाम तो उच्चारण किया, इसलिए उसके पाप धुल गए। और इस तरह विष्णुदूत और यमदूतों में बहुत बड़ा वार्तालाप हुआ और आखिर यमदूत हार कर चले गए, विष्णुदूत जीत गए और अजामिल की मृत्यु नहीं हुई। अजामिल ये सब देखा और सुना, और उसके बाद जब विष्णुदूतों से बात करने लगा तो विष्णुदूत वहाँ से चले गए। अभी अजामिल समझ गया कि मेरी मृत्यु आने वाली थी लेकिन टल गई, विष्णुदूतों ने मुझे बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि मैं नारायण नाम कहा, भगवान नारायण को नहीं पुकारा, मेरे बेटे नारायण को पुकारा, फिर भी विष्णु दूतों ने मुझे बताया, बचाया। भगवान नारायण के नाम में इतना शक्ति है और मैं इतना पतित व्यक्ति हूँ, इतना पापी हूँ, वेश्या के गर्भ में 10 बच्चे पैदा किए, उसके हाथ का खाया, मेरे बूढ़े माँ बाप को बाहर निकाल दिया, मेरे सती सावित्री जैसी बीवी और बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया, और चोरी किया, दारू पिया, मांस मछली खाया, जुआ खेला, झूठ बोला, डाका डाला, धोखा दिया, मैंने बहुत पाप किया। तुरंत घर छोड़कर अजामिल चला गया हरिद्वार, और वहाँ पर गंगा किनारे रोज गंगा में नहाकर भगवान के नाम का उच्चारण करता था, नारायण के नाम का उच्चारण करता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करता था। और तुरंत ही अजामिल एकदम शुद्ध हो गया, उसका हृदय पवित्र हो गया, उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। और वही विष्णुदूत वापस आए और अजामिल को एक वैकुंठ प्लेन में बिठाकर वापस लेके गए। तो ये है नाम की शक्ति। पहले ज़माने में बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे, नारायण रखते थे, गोपाल रखते थे, कृष्ण रखते थे, ईश्वर रखते थे, गीता रखते थे। तो ऐसा करने से बच्चे हमेशा अपना नाम सुनते हैं और परिवार वाले उच्चारण करते हैं, तो घर में सब लोग हरि नाम उच्चारण करते हैं, बच्चा हरि नाम सुनता है और पवित्र हो जाता है। तो ऐसा हमें हमारे जीवन में करना चाहिए, हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए, तो हम पवित्र हो जाएंगे, पाप सब नाश हो जाएंगे, दुख सब नाश हो जाएगा और हम भगवान नारायण के पास पहुँच जाएंगे। तो हालांकि अजामिल पापी था, अपने बेटे को पुकारा, फिर भी भगवान का नाम ने असर किया। तो हम जब ध्यानपूर्वक भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे तो वो जरूर असर करेगा। तो इसलिए हमें ये भक्ति का कार्यक्रम करना चाहिए, अच्छी तरीके से भगवान का नाम लेना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।